बहुत शुक्रिया भाई, मेरे जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, जितने भी कल मैं ट्विटर पे भी स्पेस किया था मैंने रात को 1 बजे, उसमें कितने आए थे? उसमें भी आए थे, सही लोग आए थे। तो उसमें भी बहुत लोगों से मैं जुड़ा, बहुत लोगों से मैंने बात करी जिनने पीछे से बहुत मेहनत करी। मुझे पता है आप में से सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो दिल से सबका एक एक का शुक्रिया। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ मैं आपको कल के प्रोग्राम की अपडेट दे देता हूँ। कल का जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है गुरुग्राम में 20 तारीख, अगर ये लाइव कभी भी आप देख रहे हो, 20 अगस्त, मेरी मम्मी जी का भी जन्मदिन है और हमारा इवेंट भी है, तो उसको बहुत बड़ा ग्रैंड बनाना। पिछली बारी मैं था नहीं बिग बॉस में था, जैसे इन्होंने भाई और ने पीछे से करा। मैं लोकेशन बता देता हूँ, मैं स्टोरी भी डालूंगा, मैं आपको बताता हूँ लोकेशन। जो जो लाइव देख रहा मेरा भाई, लोकेशन है हमारी ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सेक्टर 38, सेक्टर 38, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, नियर बाय मेडी सिटी। मेडी सिटी जो हॉस्पिटल है उसके नियर बाय है, और उस ग्राउंड में हम लोग कर रहे हैं अपना अभिनंदन समारोह। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे भाई हैं पिछली बार भी आए थे, जो जो नए भाई जुड़े हैं मेरे से, भाई भाई बंधु, अगर आप आना चाहते हो तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। बहुत दिल से खुशी होगी कि मेरे अभिनंदन समारोह में आप लोग शामिल हो, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री है यार, ऐसा कोई कोई एंट्री टिकट नहीं, कोई फीस नहीं, 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं, सारी चीजें एकदम फ्री है। तो बहुत बहुत टाइमिंग अच्छा टाइमिंग लगेगा मुझे। और टाइमिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ, टाइमिंग है हमारी शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे 20 अगस्त, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सेक्टर 38, नियर मेडी सिटी हॉस्पिटल। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज जो अपनी गाड़ी है, वो बहुत सारी गाड़ी आएंगी वहां पे, मुझे पता है मेरे भाई बंधु रैली करते हुए आएंगे, उसको थोड़ा सा प्लीज बाहर रखना, थोड़ा सा जो पुलिस प्रशासन बोले उसको मानना। और एक और हमारे सीएम साहब हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर साहब है हमारे खट्टर जी, वो भी आ, मेरी लाइव चालू होगी ना दोबारा? हाँ, तो हमारे जो हरियाणा के सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी आ रहे हैं मुझे सम्मानित करने। तो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन होगी, सारी चीजें होंगी, तो भाईयर का सिस्टम दिखाना है वहां पर। और भाई सबको आना, मतलब कुछ बहानेबाजी नहीं चलेगी। छुट्टी है वैसे, कल संडे है, छुट्टी है, तो एक तभी आदमी तभी तो रखा हुआ है ना संडे को, है सबकी ना, छुट्टी है। भाई की इज्जत रख देनी है। और पूरा मैं कुछ क्या चक्का जाम क्या करा तू, चक्का जाम ये सब मैं नहीं बोल रहा, इसके मुंह से, इसके मन में से आवाज आई चक्का जाम। इन्होंने सुन लिया से, मन की आवाज सुन लो, मेरी मन की आवाज सुन लो। बहुत मेहनत मशक्कत से हमने ना परमिशन परमिशन का जुगाड़ किया। हैशटैग हैशटैग चक्का जाम। और प्लीज कल सुन लेना, कल प्लीज सुन लेना, कहीं फिर तुम्हारी कसम बिग बॉस, तुम पहले आ जाओ, चक्का जाम कर दो बिग बॉस में। मेरी कमर बैठ गई, मेरे कमर में अभी भी दर्द गया ना मैंने, और मैं बाहर ना निकल पाया ढंग से भी। और कल बहुत सारी चीजें चल रही थी ऑनलाइन, वो मैं बोलूंगा नहीं, उसका जिक्र नहीं करूंगा, पर तुम्हें समझ आ गई होगी जो मेरे खिलाफ हेट फैला रहा था ना कि बाहर नहीं निकल रहा है, उसके पास मिलने नहीं जा रहा है, ये नहीं कर, भाई रीजन थे मेरे, रीजन जो कि अब तुम्हें पता भी लगे, ट्विटर पे चल भी रहे थे कि क्या रीजन थे वो, कि एल्विस का क्या हो जाएगा क्या नहीं है, सब समझ रहे हो। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जरूर आए गुरुग्राम, मेरा शहर, आप लोगों का शहर, और मुझे आमने सामने मिले, मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई कितने प्यारे प्यारे लोग हैं जिनने मेरा सपोर्ट करा। और पीछे से जब मैं बिग बॉस के घर में था, पीछे से मेरे सारे भाइयों ने, लक्ष्य, अर्चित, कटारिया और भी विनय भाई, सारे बहुत सारे भाई हैं, सबका नाम मैं मतलब ले नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे भाई हैं। ये तो हो गए जिन्होंने मेरे मतलब मेरी टीम में जो है, मेरे जो भाईचारे में इन्होंने सपोर्ट करा। उसके अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं मेरा सपोर्ट करा है, जिनको फोन नहीं चलाना आता भाई, उन्होंने सीखा फोन चलाना, अपने बच्चों से करवाया कि हमें सिखाओ ये वोट कैसे करते हैं, अनलिमिटेड वोट का है तो करो, कराऊं वोट कराओ, बहुत मेहनत करी। मैं अभी ताऊजी से भी मिला, उन्होंने भी बताया कि भाई देखो हमें तो फोन चलाना आता नहीं, बट हमने पूरा सपोर्ट करा। तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए भाई कुछ है ही नहीं भाई, बेसिकली पूरी 36 बिरादरी ने सपोर्ट करा भाई, ये चीज मतलब आपको बताना चाह रहा था ना, ये चीज मुझे पता है। देखो एक मिनट जरा, मेरी कमर में ना थोड़ा ज्यादा दर्द है। मैं किसी जाति ना किसी धर्म, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, मैं बस कहूँगा मेरे सारे भाई, मेरी पूरी 36 बिरादरी, पैन इंडिया, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट करा मुझे। और वो चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, और भी जो भी
हर फील्ड वाले लोग है ना वो सपोर्ट कर रहे थे। अभी सौरभ भाई आपका मैसेज पढ़ा मैंने कि दिल्ली पुलिस ने पूरा सपोर्ट करा, यार हमारा सपोर्ट हो गया पूरा दिल्ली पुलिस को, यार पूरा सपोर्ट है। तो एक एक इंसान ने जिनने मुझे सपोर्ट करा, मुझे इतने सारे वोट्स दिए, और ये समझ के कि अपना ही भाई है जो अंदर बिग बॉस में गया और इसको जिताना, जो अपने ऊपर चीजें लेके तुमने करी है ना भाई, मैं उसका एहसान अपनी जिंदगी में नहीं चुका सकता, समझ रहे हो? मतलब तुम लोगों ने एक तरीके से मेरे पे एहसान कर दिया जिसका मैं वापस नहीं कर सकता कि भाई मैं इसको कैसे क्या चीज करूं। तो वही रोज सोचता हूं मैं कि यार अब जो पहले हम इतने थे, अब हम इतने हो गए हैं, भगवान करे और आगे भी जाए, तो मैं इसका शुक्रगुजार कैसे हूं कि भाई सबको पता लगे कि हाँ यार मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप सभी लोगों की बहुत दिल से। वो चीज़ बयान ही नहीं कर पा रहा। एक शिकायत बहुत लोगों की है मेरे से कि एल्विस भाई तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, एल्विस भाई तुम रिप्लाई नहीं करते हो। देखो ये है दो हाथ करता हूँ भाई, मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे कॉल्स, तुम आके मेरा फ़ोन उठा के देखोगे ना तुम्हें पता लगेगी कि ये क्या हो रहा है। चक्का जाम हो गया फोन का, सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम ही हैंग हो गया फोन का। तो तुम खुद कह दो कि एल्विस भाई यार तुम ना रेस्ट करो तुम रेस्ट करो, तुम रिप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा ही नहीं, मतलब ट्राई कर रहा हूँ पूरा, बट इतने लोगों का भाई इतना प्यार, मैं बस उन सब लोगों से जिनको ये लग रहा है कि भाई ऐट आ गई इसमें, तो घमंड आ गया, एल्विस तो बड़ा आदमी हो गया। नहीं भाई ऐट तो पहले भी नहीं थी और ना कभी आएगी, मुझे लगा ऐसा बोला ऐट तो पहले भी थी अब भी है साड़े में वो तो भी है भाई अर्चित भाई, मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि इंसान लाइफ में तभी आगे बढ़ सकता है जब वो जमीन से जुड़ के आगे चले, ना कि हवा में उड़ के कि बहुत आगे निकल, मतलब अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। करेक्ट। और ना, और ये मत सोचना कि एल्विस भाई कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। मैं अगर ऐसा होता ना, मैं बहुत एक्सक्लूसिव कि मैं दिख नहीं रहा किसी को ऐसे वैसे, भाई मैं अपने रोज ब्लॉग निकालता हूँ, रोज हमारे भाई आराम है उनसे मिलूं, मैं जैसा पहले था मैं सेम वैसा हूं, बल्कि और ना शायद मैं वो हो गया हूं मैच्योर, जो ये कभी नहीं हो पाएंगे ना। मैच्योर अंदर जाके हो गया। हाँ यार। अच्छा जी, कैरेक्टर मैच्योर कैसा हो गया? एज में मैच्योर यार, 30 दिन बड़ा हो गया। तो पहले ये सबके दोस्त थे, भैया हो गए वाह